हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें हमारा सबसे पहले वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं इसके अंदर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले आपका है क्या, ये जो हमने ग्रुप नंबर थ्री टू ट्वेल्व, ये आपका डी ब्लॉक है कम्प्लीटली। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो फोर ग्रुप ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 एंड 2, पी ब्लॉक फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 18, एंड 3 to 12 दिस इज़ आवर ग्रुप नंबर ब्लॉक डी। और दो सीरीज नीचे दी हुई हैं, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, दीज आर आवर एफ ब्लॉक। तो इस चैप्टर में हमने डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के साथ साथ ये एफ ब्लॉक की स्टडी कर ली है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो दीज आर द थ्री सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर द थ्री सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय फिलिंग द 3D, 4D एंड 5D सबशेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टुगेदर दिस कंप्राइज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर ऑफन कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल इज बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इनकी पोजिशन जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है, और प्रॉपर्टीज़ भी इनकी एस और पी के बीच में ही होती हैं, इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। जैसे कि आपकी एस ब्लॉक है हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, पी ब्लॉक है यहाँ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स जाते हैं। दीज हैव इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर लेस देन एस ब्लॉक बट मोर देन पी ब्लॉक। तो इस तरह से इन बिटवीन प्रॉपर्टीज होने की वजह से दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तीन सीरीज हैं, 3D सीरीज जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, 3D1, 3D2, 3D3, 3D5 फॉर S1 हो जाता है, 3D5, 3D6, 3D7 इस तरह से कन्फिग्रेशन चलती है। यहाँ 3D इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं वो 3D सीरीज है। ये जो आपका ईट्रियम टू कैडमियम है, यहाँ पर 4D जो सबसेल है वो फिल होता है, इसको 4D सीरीज बोला जाता है। और यहाँ पर आपका 5D सीरीज है जो कि आपका लेंथेनम से लेके आपका मरकरी तक का है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है साइज टेबल में, ये आपका LA आना है यहाँ पर। ये 57 to 71 है, ये आपके लेंथेनम से लेके ये ल्यूटेटियम, ये जो आपका F ब्लॉक है उसी पोजिशन ये है आपकी थर्ड में लेंथेनॉइड्स की, और ये एक्टिनॉइड्स के 89 से लेके 103 तक इनकी पोजिशन यहाँ पर है। लेकिन एक ही जगह पर सभी एलिमेंट्स नहीं दिए जा सकते, इसलिए इनको यहाँ नीचे अलग से दिखाया गया है। दीज आर एक्टिनॉइड्स विच आर बिहाइंड एक्टिनियम एंड दीज आर लेंथेनॉइड्स बिकॉज दीज आर फॉलोइंग द लेंथेनम। तो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दीज आर प्रॉपर्टीज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब बेसिकली आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एज एलिमेंट्स और इन वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी एलिमेंट की अगर हम इसकी डी ब्लॉक की एलिमेंट की कन्फिगरेशन देखते हैं तो D1, D2, D3, D5 कन्फिगरेशन होती हैं, D1 से लेके और N-1 जो कन्फिगरेशन होती है इसकी, N-1D पार्टली फील्ड होते हैं, और आपके NS1 0 to 2 होते हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आगे हम पढ़ेंगे इसकी। यहाँ पर आपके 1 to 10 पार्टली फील्ड इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं। तो वे एलिमेंट जिनमें इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स हों दे आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन में आपका इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि जिंक, कैडमियम और मर्करी जो हमारा लास्ट ग्रुप है इसका, ये वाला ग्रुप जिंक, कैडमियम, मर्करी, इनकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 3D10 4S2, ये आपका इनकम्प्लीटली फील्ड नहीं है। ऐसी कैडमियम है 4D10 5S2, मर्करी है 5D10 6S2। तो इनमें आपकी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी दीज आर
कंसिडर्ड टू बी ए मेम्बर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट वाई? ये क्वेश्चन आपका, जिंक कैडमियम मर्करी डू नॉट कंटेन एनी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बट दीज आर प्लेस्ड इन डी ब्लॉक वाई। रीजन ये है कि बींग द एंड मेंबर ऑफ द सीरीज दीज आर स्टडीड अलॉन्ग विद द ट्रांजिशन एलिमेंट, अदरवाइज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। जिंक कैडमियम एंड मर्करी डू नॉट कंटेन एनी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बट बींग एंड मेंबर ऑफ द ट्रांजिशन थ्री ट्रांजिशन सीरीज, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो लास्ट का मेंबर होने की वजह से दीज आर स्टडीड विद द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कॉपर सिल्वर गोल्ड। अब कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 3d10 4s1, तो यहाँ पर भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं, लेकिन इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही स्टडी किया जाता है क्योंकि कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन जब आपका कॉपर प्लस टू होता है दैट इज 3d9, यहाँ आपके इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप डेफिनेशन फिर से देखें, डेफिनेशन में लिखा है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एज एलिमेंट और इन वन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो कॉपर की प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर की जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें 3d9 इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में हो या फिर उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर होंगे। जिंक जो है, जिंक का मैं एग्जांपल लिया था, जिंक की जो कन्फिग्रेशन है 3d10 4s2 और जिंक प्लस टू की 3d10, तो ना तो जिंक की एलिमेंटल फॉर्म में इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है और ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हम। लेकिन कॉपर की या सिल्वर है या मर्करी है, सॉरी गोल्ड है, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज एन माइनस वन डी 1 to 10 NS0 to 2, डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं स्कैंडियम 1, टाइटेनियम 2, वेनेडियम 3, क्रोमियम में 5 हो जाते हैं, यहाँ पर 1 रह जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी, देर इज ए लिटिल डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन N-1d एंड NS subshell, and therefore there are frequent change in of exchange of electron between the two and hence show some exceptional configurations. Exceptional जैसे आपको बता चुके हैं कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन से आप वाकिफ हैं, 11th में काफ़ी पढ़ चुके हैं। 3d5 4s1 होता है यहाँ पर, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ 3d10 होता है 4s1 कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसी आपकी नायोबियम है, नायोबियम एक्चुअल में होनी चाहिए आपकी 3d3 4s2, बट इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4d3 5s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करके 4d4 हो जाता है और उसके बाद मोलिब्डेनम जब आता है आपका 4d5 5s1 हो जाता है, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन यहाँ पर आपकी आ जाती है। तो ये कुछ आपकी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशंस हैं डी ब्लॉक में, सभी वही हैं कॉपर और क्रोमियम की वजह से ही हैं, एग्जैक्टली हाफ फील्ड होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर जाता है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है या फिर कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक कैरेक्टर। इन द डी ब्लॉक एलिमेंट द पेनल्टीमेट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेंडिंग एंड थर्स दे हैव मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन कॉमन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन है NS 0 to 2, जीरो भी सिर्फ एक एलिमेंट है पैलेडियम में आपका 5s0 आता है, अदरवाइज और किसी में 5s0 नहीं आता, अदरवाइज आपका NS जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 होंगे, लेकिन जो एक्सपेंड हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, डी ऑर्बिटल N-1d, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 N-1d2 1 से लेकर 10 तक, इट इलेक्ट्रॉन गोज टू पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल का मतलब होता है इनर टू द आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट सेल से अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं।
अगर 3D सीरीज़ की ही बात हम करें, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 3D1 4S2। आउटरमोस्ट सेल हमारा फोर्थ है, इलेक्ट्रॉन्स गोज इन टू 3D थर्ड सेल, 3D3, 3D5, 4S1 क्रोमियम के लिए हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द पेनल्टीमेट सेल, नॉट इन आउटरमोस्ट। आउटरमोस्ट सेल की बजाय इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में फिल होते हैं। तो इन द डी ब्लॉक एलिमेंट द पेनल्टीमेट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेंडिंग एंड थस दे हैव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन कॉमन। थस ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। दे हैव मेटल टेक्सचर, दे आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल, दे आल्सो फॉर्म एलॉयज विद अदर मेटल्स एंड कॉपर। एक्सेप्शनली इज बोथ सॉफ्ट एंड डक्टाइल एंड रिलेटिवली नोबल, मतलब कम रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जैसे कि हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो हमारा साइज डिक्रीज होता है। ये हम पी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी हमने पढ़ा था कि इन ए पीरियोडिक टेबल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज एंड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। तो यहाँ जब लेफ्ट से राइट की बात करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ जो इंक्रीज का साइज का इंक्रीज है वो बहुत कम होता है। तो कोवलेंट रेडियाई ऑफ एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए रो इन द ट्रांजिशन सीरीज अंटिल द नियर द एंड व्हेन द साइज इंक्रीजेस स्लाइटली। क्या मतलब इसका देखिए जरा, जैसे हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की तरफ जाएंगे, साइज डिक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीज जो है साइज का वो बहुत कम होता है क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है डी इलेक्ट्रॉन्स की, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है, जैसे इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है साइज डिक्रीज होता है। ये तो रीज़न हो गया आपका साइज डिक्रीज होने का। लेकिन जो लास्ट में हम आते हैं निकिल, कॉपर, जिंक, यहाँ साइज हल्का सा इंक्रीज होता है। निकिल का सबसे छोटा साइज है पूरे इसमें पीरियड में डी ब्लॉक में, और निकिल से जब कॉपर जाएंगे तो थोड़ा साइज में इंक्रीज होगा, उससे ऊपर जिंक में जाएंगे तो साइज में और थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अनटिल द नियर द एंड व्हेन साइज इंक्रीजेस स्लाइटली, एंड डी सीरीज के जब एंड तक हम पहुंचते हैं तो थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होता है। ऑन द पासिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट द एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड इन द न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स शील्ड लेस एफिशियंटली देन द पी इलेक्ट्रॉन, ताकि इनकी जो शील्डिंग हो पूर होती है, विच इन टर्म शील्ड लेस इफेक्टिवली देन एस इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दिस पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली एंड हैज कॉन्ट्रैक्ट इन द साइज, साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट चलते हैं तो। लेकिन डाउन द ग्रुप जब सॉरी लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं एंड तक आते आते थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है कॉपर जिंक, वो इंटरलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से है। अब डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो डाउन द ग्रुप जब हम आएंगे, हमारे पास तीन सीरीज़ हैं, एक है 3D सीरीज़, ये आपका स्कैंडियम से लेके जिंक तक है, फिर हमारी 4D सीरीज़ आती है येट्रियम टू लेकर कैडमियम तक, और फिर 5D सीरीज़ आती है हमारी लैंथेनम से शुरू होती है और लास्ट में आपके मरकरी तक है। तो 3D से जब 4D में आते हैं हम साइज इंक्रीज़ होता है, लेकिन 4D से जब 5D में आते हैं साइज इज ऑलमोस्ट सेम। 4D और 5D का जो साइज़ है इन दोनों का साइज़ लगभग बराबर होता है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाई 4D एंड 5D सीरीज हैव सेम साइज। द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप इन द डी ब्लॉक ग्रुप 3 shows the expected increase in size from scandium to yttrium, yttrium to lanthanum, size increase होता है। लेकिन इसके बाद जो बात होता है आपका scandium से आगे हमारा next जो आ जाते हैं ग्रुप नंबर 14 से लेकर 12 तक, द सब्सिक्वेंट ग्रुप 4 to 12 देर इज एन इंक्रीज इन रेडियस और 0.1 to 0.2 एंगस्ट्रॉम बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड मेंबर, बट हार्डली एनी इंक्रीज बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स फोर्थ। अब देखिए जरा मतलब क्या है, टेबल पे आ जाइए अपनी, ये है डाउन द ग्रुप आएंगे स्कैंडियम के लिए, थर्ड ग्रुप की बात अगर हम करते हैं, स्कैंडियम टू येट्रियम साइज इंक्रीज होगा, येट्रियम टू लैंथेनम साइज इंक्रीज होगा। लेकिन इसके बाद 4 to 12 अगर हम आते हैं टाइटेनियम टू जिरकोनियम साइज
इंक्रीज होगा, लेकिन जिरकोनियम से जब आप हॉफनियम पे आओगे साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, देर इज़ नो इंक्रीज इन साइज़ ऑफ दिस 4D सीरीज एंड दिस 5D सीरीज। इन दोनों सीरीज में कोई साइज में इंक्रीज नहीं होता, साइज यहाँ इंक्रीज होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों सीरीज का साइज़, ये जो हमारी 5D और 4D सीरीज है, इनका साइज इक्वल होता है। रीज़न है इसका लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे इस होफनियम से पहले यहाँ पर 14 एलिमेंट ये लेंथेनोइड्स हैं, 15 to 71, और यहाँ जब हम चलते हैं यहाँ से यहाँ तक आते हैं साइज डिक्रीज होता है लेफ़्ट टू राइट, और साइज डिक्रीज होते होते इस लेवल पे साइज काफ़ी कम हो जाएगा, और इसके बाद नंबर आएगा होफनियम का, और इस होफनियम का जो साइज़ है इतना कम होगा कि वो आपकी ऊपर वाले एलिमेंट्स के लगभग इक्वल ही होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि वाई 4D एंड 5D सीरीज हैव साइज सेम, द रीज़न इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन का पूछ जाता है, वो हम जब F ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ इसका क्वेश्चन आएगा आपका, डिटेल करेंगे इसके लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की हम वहाँ पर। चलिए जी, अब नेक्स्ट है हमारा एटम की रेडियाई हमारा चल रहा था, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, साइज डिक्रीज होता है बट इन द एंड साइज इंक्रीजेस, कॉपर जिंक का साइज, कॉपर और जिंक ग्रुप का साइज थोड़ा सा अधिक होता है। डाउन द ग्रुप आएंगे साइज इंक्रीज होगा, लेकिन 3D से 4D जाएंगे अब साइज इंक्रीज होगा, और 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, रीजन इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज डेंसिटी, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द ट्रांस एलिमेंट्स आर लो, अब साइज डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, सो दिस वी हैव हाई डेंसिटी। पहले दो तीन एलिमेंट को छोड़ दे तो बाकी सबकी डेंसिटी का 5 से ज़्यादा होती है, 5 ग्राम्स पर एमएल से ज़्यादा होती है। द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द ट्रांस एलिमेंट्स आर लो कंपेयर टू विद एलिमेंट्स इन द नेबरिंग ग्रुप ऑफ 1 एंड 2, एंड दिस इज बिकॉज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज पोअरली स्क्रीन एंड सो अट्रैक्शन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, इन एडिशन द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडिड ऑक्यूपाई नी इनर ऑर्बिटल्स, कंसिक्वेंटली द डेंसिटी ऑफ द ट्रांस एलिमेंट्स आर हाई, प्रैक्टिकली द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव डेंसिटी ग्रेटर देन 5। सिर्फ पहले तीन एलिमेंट को हम छोड़ दें, स्कैंडियम की 3 होती है, यट्रियम और टाइटेनियम 4.5 है, बाकी सब की डेंसिटी 5 ग्राम्स पर एमएल से ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ द सेकेंड रो एलिमेंट्स आर हाई एंड द थर्ड रो वैल्यूज आर इवन हाइयर। बेसिकली जो आपकी 5D सीरीज की जो डेंसिटी है वो 4D सीरीज से ऑलमोस्ट डबल होती है। रीज़न क्या है, अभी हमने पीछे किया था, डेंसिटी हमारी होती है मास बाय वॉल्यूम, 4D और 5D सीरीज का साइज़ इक्वल है, वॉल्यूम सेम हो गया, मास ऑलमोस्ट डबल है, तो इस वजह से डेंसिटी भी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो 4D 3D की डेंसिटी 4D से कम है, और 4D और 5D की डेंसिटी की अगर बात करें तो 5D की डेंसिटी 4D की डेंसिटी से ऑलमोस्ट डबल होती है। रीज़न क्या है, मास ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जब हम 4D से 5D में जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम साइज सेम रहता है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ 5D सीरीज इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द 4D सीरीज, एक्सप्लेन व्हाई, इट इज़ बिकॉज द एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज इज ऑलमोस्ट सेम बट द एटॉमिक मास बिकम्स ऑलमोस्ट डबल फॉर 5D सीरीज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीजेज अप टू मिडवे, मतलब जो हमारी सीरीज है जैसे 3D सीरीज है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो बीच में उसका आपका मैंगनीज आ जाता है, मैंगनीज, तो अप टू मिडवे बीच तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। यहाँ तक आपके मिडवे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा एंड देन मेल्टिंग पॉइंट आफ्टर मिडवे डिक्रीज होगा, इट इज योर एटॉमिक नंबर 21, इट इज एटॉमिक नंबर 30, लगभग आपका 25 तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आल्सो, ये मिडवे तक इंक्रीज होते हैं और उसके बाद
डिक्रीज होती है। कारण क्या है कि यहाँ तक आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इंक्रीज होते हैं। जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्डिंग भी बना लेते हैं। वाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर वाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीजेज अप टू मिड वे, द रीज़न इज D1। आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होता है तो मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ, मेटेलिक बॉन्डिंग आपका आउटर मोस्ट है जो NS2 होते हैं हमारे, दे अंडरगोज मेटेलिक बॉन्डिंग, और उसके साथ साथ जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्डिंग। तो डबल बॉन्डिंग हो जाती है मेटेलिक बॉन्डिंग एज वेल एज कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर हमारी नेक्स्ट आता है D2 स्कैनिंग का टाइटेनियम आ जाता है तो इसमें दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए तो देर विल बी डबल कोवलेंट बॉन्डिंग, सो मेल्टिंग पॉइंट विल बी स्टिल मोर। तो D3 में तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग और ज़्यादा होगी और ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हाफ तक मिड वे तक नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी। आफ्टर दैट हाफ फील्ड ऑर्बिटल डिक्रीज, सो कोवलेंट बॉन्डिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डिक्रीज होगी। यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा क्यों है। द ट्रांजिशन मेटल्स हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन N-1d ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू द NS इलेक्ट्रॉन्स, NS इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्डिंग व्हाइल N-1d इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन एडिशनल DD ओवरलैपिंग टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, थस देयर एटम्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग विच रिजल्ट्स इन देयर हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड हाई एंथैल्पी ऑफ या हाई मेल्टिंग पॉइंट। दोनों के लिए आएगा कि S इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ साथ जो N-1d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो DD ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन काफ़ी हाई होता है। लेफ्ट से राइट चलेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे मिडवे तक, तो मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी मिडवे तक इंक्रीज होगी। उसके बाद पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दिस इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, जनरल है। जनरली द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज़ ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। डाउन द ग्रुप आए तो 3D से 4D सीरीज जनरल ट्रेंड इज ऑब्जर्व, साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा डिक्रीज होगी, बट नॉट फ्रॉम 4D टू 5D, साइज ऑलमोस्ट सेम है, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ इंक्रीज होती है। वैसे डाउन द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, 3D टू 4D डिक्रीज होती है, लेकिन जब 4D से 5D में आएंगे हम, 4D से 5D में जैसे हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इधर हमारा येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम और ऐसे ही आगे लैंथेनम है, यहाँ पर हॉफनियम है, टेंटेलम है। अब 3D से 4D में आएंगे, साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन जिरकोनियम टू हॉफनियम साइज इज़ ऑलमोस्ट सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इज़ वेरी हाई, 72 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर 49 होता है एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा जबकि साइज सेम है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ इंक्रीज होती है। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स बट नॉट फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज बिकॉज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स बिटवीन लैंथेनम एंड हॉफनियम, एज ए रिजल्ट 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर मोर और लेस रिमेन्स द सेम ड्यू टू दस विच जेट इफेक्टिव ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज इज हायर विच रिजल्ट इन हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 5D एलिमेंट्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5D में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जो साइज को भी डिक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी को भी इंक्रीज कर देता है, रीजन वही है, साइज सेम रहने का रीज़न लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज सेम रहना लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है जिससे आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। रिडक्शन पोटेंशियल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, M+2 N2 M द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वैल्यू ऑफ द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर, ये सब के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं,
इसमें आप कुछ चीज़ ज़रा ऑब्जर्व करोगे। एक तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कॉपर का, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव है 0.34, ये कॉपर का है, और -0.76 जिंक का है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इसमें पॉजिटिव है क्यों? बाकी सब का नेगेटिव, अगर आप देखें सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन कॉपर का ही पॉजिटिव होता है। इसका रीज़न क्या है? बेसिकली इसमें रीज़न क्या है आपका कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल इज मेजर ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कॉपर है या कोई भी मेटल है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल सॉलिड से चेंज इनटू मेटल गैसियस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसमें लगती है आपकी। उसके बाद गैसियस मेटल एटम इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल प्रोड्यूस मेटल आयन, इसके लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी यूज़ होगी। आफ्टर दैट सब्लिमेशन एनर्जी, यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी भी होगी क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और हाइड्रेशन एनर्जी, जो ये आपका मेटल आयन है इट गेट्स हाइड्रेटेड इन सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस, आपका M+2 आयन है, मेटल आयन एक्वस हाइड्रेटेड, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। तो इन सभी एनर्जी का सम हमारा डिसाइड करता है रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर बात हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी क्योंकि वो एनर्जी रिलीज़ है तो इलेक्ट्रॉन भी उतनी आसानी से रिलीज़ होगा, मतलब उसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम डिसाइड करते, ये एनर्जीज हमारी डिसाइड करते। आयनाइज एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो आयनाइज एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी या रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसमें आपका जो क्वेश्चन है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव क्यों है, कारण क्या है? कि जो कॉपर है Mn+2 से Cu, वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव 0.34 वैल्यू है, बिकॉज रिडक्शन वैल्यू इज रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री एनर्जी, मेटल सॉलिड चेंज इनटू मेटल गैसेस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मेटल गैसेस चेंज इनटू मेटल आयन आयनाइजेशन एनर्जी, एंड मेटल आयन देन हाइड्रेटेड एंड प्रोड्यूस हाइड्रेशन एनर्जी, एंड डेल्टा जो ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा होगी वो हमारी इन तीनों एनर्जी का सम होगा। कॉपर के लिए हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है, पता ना कि साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो कॉपर का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, जो कि हाई वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती। इसके लिए काफ़ी एटोमाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज्ड कम है, और इन दोनों की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और वो जीरो से भी ज़्यादा होकर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी आर नॉट कंपनसेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी एंड हेंस हैव लेस टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, दैट इज हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, एंड हेंस रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम आते हैं मैंगनीज निकिल और जिंक, ये देखिए ज़रा मैंगनीज की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही थी -1.6 से -1.2, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, ये कह लो, या नेगेटिव वैल्यू कम होगी, पहले नेगेटिव वैल्यू थी 1.6, अब आ गई 1.2, नेगेटिव वैल्यू और कम हुई 0.91, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाती है, तो मैंगनीज की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम आएंगे मैंगनीज के बाद आयरन -0.44, -0.28, उसके बाद -0.28 के बाद निकल की भी -0.24, मतलब ऑलमोस्ट कॉपर के ही, कोबाल्ट के ही बराबर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इससे और भी कम नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन निकल की भी एक्सेप्शन है, थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव है, और उसके बाद जिंक कॉपर की पॉजिटिव होगी, और उसके बाद जिंक में फिर एकदम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चलेगी। जो हमारे तीन एलिमेंट हैं मैंगनीज निकल और जिंक, इनकी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शनली थोड़ी सी ज़्यादा है, हायर नेगेटिव है। तो क्यों है? अब ये क्वेश्चन है, रीज़न है आपका, हायर वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू मैंगनीज एंड जिंक इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। मैंगनीज की जो कन्फिग्रेशन होती है 3D5 4S2 होती है, दो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज करता है क्योंकि उसकी
स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और रही बात आपके निकल की, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। 35 Mn कम्प्लीटली फिल 3D कन्फिग्रेशन ऑफ मैगनीज जिंक रिस्पेक्टिवली, वाइल फॉर निकिल हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दैन एक्सपेक्टेड इज ड्यू टू हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दैन एक्सपेक्टेड इज ड्यू टू लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। नेगेटिव वैल्यू कौन सा एनर्जी रिलीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसके रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव होता है। तो कुछ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज हमने की हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके बाद एफ ब्लॉक लेंगे। आज यहाँ तक ही कीजिए। रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आता है। रिडक्शन पोटेंशियल है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, और आपका रेडियस, मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये कुछ प्रॉपर्टीज आज हमने की, इनको पढ़ें। थैंक यू। और अपनी कॉपी नेक्स्ट चैप्टर के लिए बनाना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है आपने पी ब्लॉक तक अब अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली होगी। मैंने काफ़ी गैप दिया है पी ब्लॉक के बाद, क्योंकि चैप्टर भी लंबा था, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब आप डी ब्लॉक एलिमेंट अपना स्टार्ट कर दें। थैंक यू।